एवरीवन, वेलकम टू सारिका कुमार रेसिपीज़ चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी डोरा केक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। डोरा केक्स बच्चों को खासकर बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप जरूर एक बार रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक कप गेहूँ का आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं। 1/3 कप मैंने देसी खांड ली है। देसी खांड चीनी का बहुत ही हेल्दी ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर से डोरा केक्स बहुत ही बढ़िया बनते हैं। थोड़ा सा हम वैनिला एसेंस लेंगे। साथ ही 1 बड़ा चम्मच मैंने शहद लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है और साथ ही 1 ग्लास दूध लिया है। सबसे पहले हमने एक बॉल लेना है और उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने डाल देने हैं। 1 कप गेहूं का आटा, 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/3 कप पिसी हुई चीनी या देसी खांड, और सबको अच्छे से एक मिक्स देना है। बहुत अच्छे से हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमने एक स्मूथ बैटर रेडी करना है। देखिए, एकदम से सारा दूध हम ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ बैटर हमने इसका बनाना है। बिल्कुल भी बैटर में लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए, इस तरह से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ मैं और देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से देखिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, मैंने एक हैंड बीटर यूज़ किया है और इसे मैं इसको लगभग 1 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट कर रही हूँ। जितना अच्छा आपका बैटर रेडी होगा उतने ही बढ़िया आपके डोरा केक्स बनकर तैयार होने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को करें और देखिए, इसमें 1 टेबल स्पून हानी डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा वैनिला एसेंस मैंने डाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें, ऐसे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए, बहुत अच्छे से इसको बीट कर लेंगे और देखिए एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। तो बिल्कुल तैयार है हमारा बैटर डोरा केक्स बनाने के लिए, ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें बैटर को बिल्कुल भी नहीं रखना है, अब इसे डोरा केक्स बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है और इसको हल्का सा घी लगाकर इसको ग्रीस कर लिया है और एक टिश्यू पेपर से मैं इसको इस तरह से हटा दूँगी अब, ताकि जो तवा है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए हमारा। और इसमें 2 टेबलस्पून इस तरह से बैटर डालेंगे और हल्का सा इसको स्प्रेड करेंगे बस, तो ये अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है बैटर। और देखिए, इसको हल्का सा कवर करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। और देखिए, अब इसको दूसरी साइड हम इस तरह से पलट देंगे, फ्लिप कर देंगे। और देखिए, दोनों तरफ से हमने इसको एक गोल्डन कलर देना है। और देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से अच्छा सा कलर इसमें आ जाता है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही मिनटों में ये रेडी हो जाते हैं डोरा केक्स। और इसमें देखिए, कोई घी ऑयल हमने यूज़ नहीं करना है, बस हल्के से हमने तवे को ग्रीस करना है। और हर डोरा केक बनाने से पहले हम तवे को अच्छे से पहले ग्रीस करेंगे, तभी हम डोरा केक को डालेंगे। और इस तरह से देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्लफी जो है वो डोरा केक बनकर रेडी है। देखिए, इस तरह से सारे डोरा केक्स हम रेडी कर लेंगे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये। बहुत ही सेकेंड्स लगते हैं इसको बनने में। और गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है हमने, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाएंगे। और देखिए, हमारे डोरा केक्स बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी खाएंगे तो ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, लेकिन इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी चॉकलेट सॉस ली है और इस तरह से बीच में मैं इसको डालूँगी। देखिए, इस तरह से दोनों डोरा केक्स में इस तरह से मैं लगा दूँगी और ऊपर से इसको कवर कर देंगे दूसरे डोरा केक से। और जब इसको खाएँगे तो बीच में चॉकलेट आएगी, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। देखिए, इस तरह से इसको दूसरे केक से कवर करेंगे और बीच में से इसको कट कर देंगे। और देखिए, कितने बढ़िया ये देखने में लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है, आप अपने मन चाहे डिज़ाइन में इसको काट सकते हैं। इस तरह से इसको स्माइलीज के फेस भी इससे बना सकते हैं चॉकलेट से, तो ये बच्चों को खासकर बहुत ही पसंद आते हैं। आप देखिए, कितने बढ़िया ये लग रहे हैं। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर बनाएँ और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।